तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखते हैं। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखो, एक स्मॉल स्फीयर ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए थ्रेड ऑफ लेंथ एल। तो चलो एक सिंपल पेंडुलम टाइप इस टाइप बना लेते हैं। यहाँ से एक यहाँ पे जो है थ्रेड से अटैच है एक स्मॉल मास, जिसका ये बॉब है जिसका मास स्मॉल एम है, इस थ्रेड की लेंथ एल है, वो जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ से बंधा हुआ है। ठीक है, अब ये जो है ये अगर मैं यहाँ से रिलीज कर दूंगा, इट इज़ राइज अप टू सस्पेंशन आई थ्रेड एंड पुली एंड रिलीज। जब रिलीज किया जा रहा है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो अब वो यहाँ पर आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो अब यहाँ से जब छोड़ोगे तो इस तरह से आएगा भाई। ठीक है, और यहाँ पर आएगा। ठीक ना, तो ये पॉइंट ए से छोड़ा गया था, ये पॉइंट ए है, ऐसा कुछ इसमें बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे। ये पाथ ऐसा आएगा, तो यहाँ से कुछ ऐसा इस टाइप से पाथ से छोड़ोगे तो ऐसे आर्क बना के आएगा। ठीक ना, इस पाथ में आएगा। आई होप कि डायग्राम समझ रहे हो। तो ये कहते हैं जब पॉइंट ए से छोड़ा गया था तो लोएस्ट पॉइंट बी पे भी आएगा कभी, और टेंशन विल बी मैक्सिमम। टेंशन कहाँ होगा? देखो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, जो टेंशन होता है किसी भी पॉइंट, जनरल पॉइंट में मान सकते हो। वैसे तो तुम्हें याद होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे जो भी टेंशन होती है स्ट्रिंग में वो मैक्सिमम होती है बच्चों। ठीक है, और जो वर्टिकल पॉइंट होता है इसके जस्ट ऊपर, ये वाला जो पॉइंट होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, यहाँ पर टेंशन मिनिमम होती है। जो भी होगा मिनिमम ही होगा, सबसे कम यही होगा और सबसे ज़्यादा यहाँ होगा। तो इस पॉइंट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? वो लोएस्ट पॉइंट है तो टेंशन स्ट्रिंग में, टेंशन टी ऊपर लग रहा होगा, एम जी नीचे लग रहा होगा, लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा बी। तो अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँ, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर। ठीक ना, अगर ये लेंथ एल है, सर्कल का रेडियस आर है, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स तभी निकलेगा जब टी में से एम जी को घटाओगे, और यही सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाएगा एम बी स्क्वायर ओवर एल। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू होगी एम बी स्क्वायर एल प्लस एम जी के इक्वल होगा। ठीक ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपना बन गया। ठीक ना, अब अगर मुझे टेंशन एम जी के टर्म में चाहिए तो मुझे वेलोसिटी यहाँ निकालना पड़ेगा। ठीक ना, बी पॉइंट का, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पे मैं एक काम करता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देता हूँ तो वेलोसिटी निकल जाता है। तो पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, दोनों पे मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं कंजर्व करा दूँ, तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो पॉइंट ए पर जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उसकी जो वैल्यू होगी पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी, वो काइनेटिक या जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल है ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड से ऊपर है, दिस ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड है इस ग्राउंड से ऊपर एल है, तो यह आ जाएगा एम जी एल प्लस इज इक्वल टू हाफ बी पॉइंट पर वेलोसिटी प्लस पोटेंशियल जीरो काइनेटिक। तो यहाँ से एम ने एम को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आ जाएगी वो टू जी एल अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली जो वेलोसिटी है फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में अगर पुट कर दोगे तो टेंशन तुम्हें दिखने लगेगा। तो टेंशन टी की जो वैल्यू आ जाएगी, रखो यहाँ एम एल यहाँ बचा और वेलोसिटी वी स्क्वायर टू जी एल प्लस एम जी। ठीक है ना, तो यहाँ से एल ने एल को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से टू एम जी और यहाँ से थ्री एम जी के इक्वल आ जाएगा। जो टेंशन होगा बच्चों वो थ्री एम जी के इक्वल होगा। दैट इज, अब तुम यहाँ से देखोगे दैट इज सी ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।